Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, dear student. Today our next topic is locomotion in invertebrates. हम locomotion in proteins previous lecture में discuss कर चुके हैं. आज हमने जो discuss करना है वो just करना है in vertebrates. First of all हमें invertebrates का पता होना चाहिए. Invertebrates जैसे ऐसे जानदार होते हैं जिनके अंदर backbone नहीं होती, जहाँ क्यों कह लें कि vertebral column नहीं होता. Like अगर हम अपनी बात करें ह्यूमन की देखें तो ह्यूमन क्या है, वर्टेब्रेट्स है. वर्टेब्रेट्स में वर्टेब्रल कॉलम होता है, यानी कि रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होती है. इस वजह से जो वर्टेब्रेट्स होते हैं वो इनवर्टेब्रेट्स की के बरक्स बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं, पचीदा होते हैं. अगर हम नेक्स्ट इनवर्टेब्रेट्स की डिस्कशन बात करें तो इसमें हमने लोकोमोशन को डिस्कस करना है कि ये लोकोमोट कैसे करते हैं, ये कैसे एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है जेलीफिश. जेलीफिश का ताल्लुक है नाइजीरिया से. क्या नाइजीरिया, अगर हम इसकी जेली फिश की बात करें कि ये किस तरह से मूवमेंट कर रहे हैं, सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं. ये इसकी जो स्ट्रक्चर है, ये डोम लाइक होती है, अम्ब्रेला लाइक इसकी बॉडी होती है. ये अम्ब्रेला लाइक बॉडी होती है जिसे बैली बोलते हैं. अम्ब्रेला लाइक बॉडी को क्या बोलेंगे, बैली. और ये इसके अंदर यह क्या है, कैविटी है. ये जो स्पेस है कैविटी है, और ये फ्लूइड फील्ड होती है. एक्चुअली इसके अंदर वाटर फील्ड होता है, इसी की वजह से ये मूवमेंट कर सकती है. यहाँ पर इसके बाहर इधर होंगे मसल्स. अब यहाँ पर होगा क्या कि ये यहाँ पर है ओपनिंग, ये मसल्स है, ये कैविटी है, और ये पूरी क्या है, बॉडी इसकी बैली कहलाएगी. ये टेंटिकल्स लगे हुए हैं जो क्या करते हैं, क्या डिटेक्शन करते हैं, क्या स्टिमुलस को रिसीव करते हैं. अब वाटर यहाँ से जाएगा बॉडी के अंदर, यहाँ से, तो ये इसकी बॉडी क्या हो जाएगी, फिल हो जाएगी वाटर से. जैसे ये फिल होगी तो ये मसल जो होंगे बैली के अंदर जो पाए जा रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. जैसे ये इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वाटर नीचे आएगा, इसकी बॉडी पुश हो जाएगी ऊपर की तरफ. इसकी बॉडी कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी. तो इस तरह की मूवमेंट को बोलते हैं जेट प्रोपल्शन. तो इस तरह की मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे, जेट प्रोपल्शन. ये सिंपल सा टॉपिक है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है टॉपिक में. तो सबसे पहले क्या क्या, वाटर इनटेक किया, वाटर इसके अंदर जाएगा, मसल जो होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिस वजह से आप यू कह रहे हैं कि ये पूरी की पूरी जो मस्कुलर बैली है या बेल लाइक की जो इसकी स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी. जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो वाटर के ऊपर फोर्स लगेगी, वाटर क्या करेगा नीचे की तरफ आएगा, तो इसकी बॉडी एक्ट करेगी जस्ट लाइक अ जेट. जेट की तरह क्या करेगी, लाइक करेगी, क्योंकि यहाँ पर नीचे जब इसके फोर्स लगेगी और बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी, इस तरह की मोशन को या मूवमेंट को बोलते हैं जेट प्रोपल्शन. तो ये माना था जेलीफिश का. नेक्स्ट हमारे पास स्नेक. स्नेक का ताल्लुक मोलस्का से है. अगर हम स्नेक की बात करें तो इसके यहाँ पर होते हैं मस्कुलर फीट. ये मस्कुलर फुट होंगे इसके, वो किस में करेंगे, इसकी ग्लाइडिंग में हेल्प करेंगे. जैसे ग्लाइड करते जाएंगे, ग्लाइड करके इस तरह इसकी मूवमेंट होती जाएगी. और इसके इसका जो स्केल्टन होगा वो हाइड्रोस्टेटिक स्केल्टन होगा. हाइड्रोस्टेटिक स्केल्टन होने की वजह से ये और भी अच्छी ग्लाइडिंग कर सकते हैं. तो ग्लाइडिंग मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर फुट, और किस वजह से कि हाइड्रोस्टेटिक स्केल्टन होने की वजह से भी ये मूव करेंगे, इस तरह से ये मूव करेंगे. ये मस्कुलर फुट है जो इसको इसकी बॉडी पर एंकर करके रखते हैं, इस तरह से ये इस तरह से मूव ग्लाइड करेंगे, ग्लाइडिंग कर रहे होंगे. नेक्स्ट है कॉकरोच. कॉकरोच की डर अगर हम बात करें, यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, तो इसमें ना थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, यानी कि इसके ये यहाँ पर इधर और इधर. ये जो पहली है, ये है फोर लेग्स, फर्स्ट पे फोर लेग है. ये मिड लेग जो है इसको प्रोप बोलते हैं. ये मैं आपको बताती हूँ कि इसे प्रोप क्यों बोलते हैं. और ये वाली जो लेग है इसे हाई लेग बोलते हैं. रेस्टोरेंट यहाँ पर होगा क्या, ये अपने लेग्स के थ्रू मूव करेंगे. और एक और बात याद रखिए, जो कॉकरोच है इसका ताल्लुक है किंगडम आर्थ्रोपोडा से. ज्वाइंट्स लेग्स वाले ज्यादातर वो आर्थ्रोपोडा बोलते हैं. ये वॉक करने के साथ साथ ये फ्लाइंग भी करते हैं. अब पहले हम इसकी वॉकिंग के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये लोकोमोशन कैसे कर रही है. जिसका फोर यहाँ पर, ये जो इसका फोर लेग्स है, फोर लेग क्या करेगी, ऊपर की तरफ पुल करेगी इसकी बॉडी को, क्या करेगी, पुल करेगी इस तरफ को. और इसी तरह ये हाइंड लेग है, ये इसको पुश करेगी इसी तरफ, उसी डायरेक्शन में ये पुश करेगी, खेलेगी. और ये फोर लेग जो है इसकी बॉडी को ऊपर की तरफ खींचेगी. और ये जो प्रोब है वो इसको सहारा देगी, जो अपोजिट वाला जो होगा ये इसको क्या करेगी, सहारा देगी, ताकि ये वाली जो है ऊपर की तरफ पुल हो जाए और भी ज़्यादा. तो इस तरह क्या करेगी, ये ऊपर पुल करेगी, ये पुश करेगी, और इसकी बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी. इस तरह ये प्रोसेस रिपीट होता जाएगा और ये मूव करता जाएगा. तो जैसे आपने याद रखना है कितने पेयर्स हैं, थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स है, मतलब टोटल सिक्स लेग्स है. पेयर्स की बात करें तो क्या इनके पास है, थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स है, फोर लेग्स, फोर लेग्स एंड हाइंड लेग्स.
तो इस तरह ये क्या करते हैं, स्विफ्ट वॉकिंग करते हैं। स्विफ्ट वॉकिंग अभी टाइप इनके क्या है, टांगे क्या है, जोड़ा टांगे है। फिर इनका ताल्लुक है किंगडम आर्थ्रोपोडा से। आर्थ्रोपोडा से ताल्लुक होने की वजह से इन इन्होंने जो सबसे पहली अडाप्टेशन की थी वो यही की थी कि ज्वाइंटेड लेग्स बनाए थे। इसके अलावा इनके पास एक्सोस्केलेटन होता है, तो एक्सोस्केलेटन होने की वजह से जिसके ऊपर ज्वाइंटेड लेग्स होंगी तो ये क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे स्विफ्ट वॉकिंग। तो इस तरह जो इसके लेग्स होंगे वो फ्लेक्सिबल होते हैं, इनके ज्वाइंटेड लेग्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल एंड थीन होते हैं, जिसकी वजह से स्विफ्ट वॉकिंग होती है। नेक्स्ट है फ्लाइंग। फ्लाइंग की अगर डिफरेंट बात करें तो इनके विंग्स होते हैं, इनके ऊपर इनके स्पेशली जो पोस्टीरियर एंड वाले विंग्स होते हैं वो इनके फ्लाइंग में हेल्प आउट करते हैं। तो फ्लाइंग विद द हेल्प ऑफ विंग्स। आई होप यहाँ तक समझ आ गया। हमने जेलीफिश को डिस्कस किया, स्नेल को, कॉकरोच को डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास अर्थवर्म्स। डिफरेंट अर्थवर्म्स की अगर हम बात करें, अर्थवर्म्स का ताल्लुक होता है एनिमल से, और इसकी बॉडी जो होती है वो सेगमेंटेड होती है। इस तरह से सेगमेंटेड बॉडी होती है, फ्लूइड फील्ड कैविटी होती है। ये फ्लूइड फील्ड कैविटी होने की वजह से ये इसकी और भी अच्छी लोकोमोशन कर सकेगी। एक तो इसके किस तरह होगी, इसकी लोकोमोशन में दो चीज़ें हेल्प आउट करेगी। एक तो फ्लूइड फील्ड कैविटी हेल्प करी होगी, प्लस मसल्स। किस तरह इसके मसल्स हो गए, अगर फर्स्ट कर हम इतने से सेगमेंट को इधर कर लें ड्रॉ इस तरह से, ये इसकी बॉडी के अंदर सेगमेंट्स है। इसमें टू टाइप्स के मसल्स होंगे। सेगमेंट्स के अंदर कितने टाइप्स के होंगे, टू टाइप्स के मसल्स होंगे इसके अंदर। ये सर्कुलर मसल्स हैं, इस तरह से ड्रॉ कर लें इस तरह से, ये सर्कुलर मसल्स हैं और यहाँ हम रेड के साथ ड्रॉ कर लेते हैं। ये इसकी बॉडी के अंदर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं इस तरह से, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं। तो अब होगा क्या यहाँ पर, जैसे अब एक तो इसके अंदर बॉडी क्या है, फ्लूइड फील्ड कैविटी है, फ्लूइड फील्ड होगी। नेक्स्ट इनके पास मसल्स होंगे, मसल्स में भी दो तरह के सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल। ये जो सर्कुलर मसल्स है ये क्या करेगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये जो मिड वाला बनाया ना जैसे, ये इस तरह से आप ये देखें, ये लॉन्गिट्यूडनल है जो इस तरफ का मूव करेंगे, क्या है सर्कुलर मसल्स है। ये जब सर्कुलर मसल्स यहाँ से प्रेस होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जब ये देखें ये इस तरह है ना, इस तरह से अब ये यहाँ से क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो बॉडी इस तरह हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगी, लॉन्ग हो जाएगी। तो यहाँ पर इसकी बॉडी क्या हो जाएगी, जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इसकी बॉडी हो जाएगी लॉन्ग एंड थिन, लॉन्ग और थिन हो जाएगी, और ये इस तरह मूव करेगी आगे तक। और इसी तरह जो इसके लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं वो क्या करेंगे, अब इसकी बॉडी लॉन्ग और थिन इस तरफ हो गई, अब इससे ये आगे इस तरफ मूव करेंगे। जब इसने इस तरफ मूव करने की, इस तरह हो जाएगी, इस तरह से ये ऊपर की तरफ उठ गई है। इसका मतलब क्या है, जो उसकी बॉडी है वो शॉर्ट हो गई है और थिक हो गई है, मोटी हो गई है। जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो देन क्या होगा, इसकी बॉडी शॉर्ट और थिक हो जाएगी। बॉडी क्या हो जाएगी, शॉर्ट प्लस थिक हो जाएगी। तो इस तरह ये क्या करते जाएंगे, मूव करते जाएंगे। इस तरह की जो वेव लाइक मोशन होती है उसे बोलते हैं बॉडियन मूवमेंट। लाइक इस तरह से ये मेरा हेड है, ठीक है। और एक बात वो याद रखते हैं, इनके पास सीटी भी होती हैं। सीटी क्या करते हैं, इनको एंकर करके रखते हैं सबस्क्रेटम के ऊपर। अब ये देखिए यहाँ पर इधर सीटी लगे हुए हैं, इस तरह से सीटी लगे हुए हैं, ये इस तरह से अभी इस तरह है। अब यह क्या करेंगे, जो सर्कुलर मसल्स है ये वाले जो इस तरफ का मसल्स है वो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इसकी बॉडी इस तरह हो जाएगी, लॉन्ग हो जाएगी और थिक हो जाएगी। अब ये इस तरह से, अब ये वाले सीटी जो है पोस्टीरियर साइड वाले, ये वाले सीटी जो है ये बाहर निकल आएंगे इस तरह से, इस तरह करके ये इस तरह हो गए। पहले इस तरह करके इस तरह हो गए। ये जो हुआ है, ये देखिए ये क्या हो गए, अब थिक हो गए और बॉडी शॉर्ट हो गई है। किस वजह से, अब इसके लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए थे। इस तरह सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे और फिर लॉन्गिट्यूडनल्स। तो आपने याद रखना है, जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स रिलैक्स होते हैं, और जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो सर्कुलर मसल्स क्या होंगे, रिलैक्स होंगे। तो डेफिनेटली इस तरह से ये मूव करेंगे। ये जो वेव लाइक मोशन है, इधर से ऐसे करके फिर ऐसे करके, इसको बोलते हैं अकॉर्डियन मूवमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है स्टार फिश। अगर हम स्टार फिश की बात करें, इसके 5 आर्म्स होते हैं, ये 5 आर्म्स हैं। और इस ये जो मैंने ब्लू के साथ बनाई है, ये वाटर कैनाल्स हैं। ये क्या है, वाटर कैनाल्स हैं। यहाँ से वाटर इस तरह इसके अंदर जा रहा होता है, इस तरह से ये वाटर कैनाल्स हैं, इधर से वाटर जाएगा इसके अंदर। और ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग के थ्रू क्या होगा, इसके अंदर वाटर इंटर होगा। जब वाटर इंटर होगा वाटर कैनाल्स में जाएगा। याद रखने, इस वाटर कैनाल्स में यहाँ पर ट्यूब फिट होती है, जो इस तरह से क्या होती होती है, पूरी एक्सटेंड की हुई होती है यहाँ पर। और यहाँ पर ट्यूब फुट के, और यहाँ पर क्या होता है, सक्शन कप होता है। ट्यूब कप
ये फीट, ये 2 फीट होगा और इसके नीचे होगा सक्शन कप। अब हम इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा देखते हैं कि वो कैसे होता है। वो इस तरह से डैशबोर्ड होगा कि लाइक इसको हम इधर ड्रा कर रहे थे, ये जो ट्यूब फिट है वाटर ओपनिंग के थ्रू इंटर हुआ, वाटर कैनाल में चला गया, ये वाटर कैनाल है। और वाटर कैनाल में ये जहाँ पर मैंने 2 ड्रा की हुई है ना ट्यूब फिट, ये अपने 2 नहीं होती, ये बहुत सारी होती हैं, एक ही आर्म्स में काफ़ी सारी होंगी। अब यहाँ पर होगा क्या, जब वाटर आएगा, वाटर यहाँ पर इसके अंदर आ गया। अब ये देखें, आप देखें इसका साइज छोटा है अभी, जैसे इसके अंदर वाटर आएगा तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी, जब वाटर के ऊपर फोर्स लगेगी वाटर इधर आएगा, ठीक है, नीचे की तरफ जाएगा और ये लेंथी हो जाएगी। ये देखिए ये लेंथी हो गई है इस तरह से, तो आप क्या कह रहे हैं 2 फीट लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। मूवमेंट क्या किस तरफ हो जाएगी, टूवर्ड्स द स्टिमुलस, स्टिमुलस की तरफ क्या हो जाएगी, इसकी मूवमेंट हो जाएगी, वाटर इधर इंटर हुआ, ठीक है, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, प्रेस होंगे और ये इसकी लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से वाटर नीचे की तरफ मूव करेगा। और इसके जो सक्शन कप लगे, ये जो है सक्शन कप, ये सक्शन कप क्या करेगा, इसकी बॉडी को फर्मली अटैच रखेगा। सक्शन कप क्या करेगा, बॉडी को फर्मली अटैच रखेगा सब्सट्रेटम के साथ, जिस तरह सब्सट्रेट के साथ चिपके हुए होंगे, वाटर रहेगा, वाटर इसके अंदर फील्ड होगा, जैसे इसके अंदर वाटर फील्ड हुआ, वाटर का प्रेशर लगा, जिसे हाइड्रोलिक प्रेशर भी बोलते हैं, हाइड्रोलिक प्रेशर होने की वजह से ये जो पार्टी वो फिट है, ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब इस तरह ये इधर तब तक ये दोबारा से डिक्रीज नहीं होगा, या अगेन जब इसके अंदर वाटर फील होगा इस तरह से ये हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास स्टारफिश के अंदर लोकोमोशन देखी। और अगर हम इसके 5 आर्म्स होते हैं, ये 5 आर्म्स एक्चुअली किस में इसकी हेल्प कर रहे हैं, स्विमिंग में कर रही हैं। ये क्या कर रही होंगे, स्विमिंग कर रही होती हैं, स्विमिंग, तब ये तैर रही होती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही बोलते हैं, कल इंशाल्लाह जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लोकोमोशन इन वर्टेब्रेट्स। अल्लाह हाफिज़।